शांति। आज 20 जुलाई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो प्रश्न है। हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है, बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे, फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए। हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे, अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मोज में थे, यह भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा, कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहा, जिसको पत्थर ठिकर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फा हो गए, अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है, भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है, भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं, आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए, भगवान से मिलने लिए, भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं, क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए, हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधे गए, अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराए राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है, अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए, हम कौन थे, किसके बच्चे थे, बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए, कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है, मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए, बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया वह फिर मेरे एक्यूपेशन को ही भूल गए, अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझे बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए, परंतु याद भी नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे, एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे, माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर बित्तर में ले गए, माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है, बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ, जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं,
के बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया। तुम देवता हेविन में थे, फिर तुम रावण राज में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहा, किसकी बुद्धि कहा है? बुद्धि में आना चाहिए, हम कहा थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहा गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विसेबल नहीं होंगे, नंबर वार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी, सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं, पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं, आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है, एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार हैं, क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई, सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो, 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं, सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे शास्ति गिरे भी तुम हो, इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है, अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी, तुम घर में पहुंच जाएंगे, और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहते, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की बात नहीं, अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी तुम समझते हो, हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं, भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास ही नहीं रह सकते हैं, रहना भी अपने घर में है, बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह लिए, धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो, हम क्या थे, अब हम पराए राज में बैठे हैं, कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, वह अवस्था शमानी है, शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए, तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो, बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं, नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके,
उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहा राजा, कहा नीच पद, भल सुख तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ की आशाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंग महेंद्र यानी भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजयमाला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर वन है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड सिविलाइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितने सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से पांच विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शुभ बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वह वृद्धि को पाते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था, वहाँ यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है, किसने की। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने, यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से, कोई हिसाब तो बताओ, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने ते पुराने यह लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वास्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना ही श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते, क्योंकि पास्ट हो गया ना, तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, झूले में भी सांवरे को झूलेंगे, उनको क्या पता कि गोरा कब था, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने किया, बाप कहते हैं तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हब कर लेते हैं, ऐसे भी हैं अभी भागे के भागे। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है, देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है, आँखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शुभ बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं, वह तो है निराकार,
चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितने मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बनती है, ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस, प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट है, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ, कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। आज का वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। विश्लेषण है, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना, जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। आज का स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अच्छा, ओम शांति।